Hello and welcome, friends. In this particular video, we are going to learn about air brake circuit breaker, which is the first type of circuit breaker, okay, that we are going to discuss. So in the air brake circuit breaker, first one is plain air brake circuit breaker. See, before moving further or before proceeding further, I would like to mention some points which will be useful for further study in the air brake circuit breaker. In the air brake circuit breakers, the atmospheric pressure air is used as an arc extinguisher. देखिए, हमें पता है कि सर्किट ब्रेकर जो है, अगर वो ओपन हो जाए, उसके दोनों कॉन्टैक्ट मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट अगर ये इस तरह से हट जाता है जब भी फॉल्टी कंडीशन में, ठीक है, लेकिन वो तब तक जो है वो जुड़ा हुआ कहलाता है तब जब तक कि वो वहाँ से इसके बीच में से जो भी आर्क प्रोड्यूस हो रही है जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की वजह से, वो आर्क हम एक्सटिंग्विश नहीं कर देते, वैनिश नहीं कर देते, हटा नहीं देते, ठीक है। देखिए, तो वो आर्क जो है उसको वैनिश करने के लिए भी हमने बहुत सारी मेथड्स जो है वो अडॉप्ट की हुई है, तो वो मेथड्स जो है मैंने आपको सिखाई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अंदर जो है, देखिए ये कौन से कंसेप्ट पे ये एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर काम करता है, वो है ये कॉन्टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये हम बोल सकते हैं कि हॉर्न टाइप जो है वो यहाँ पे कॉन्टेक्ट है। देखिए ये दोनों कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। पहले देखिए ये आर्क हॉर्न है, आर्क हॉर्न है, और उसके बाद जो है ये आर्क हॉर्न जो है वो दोनों में सेपरेट कर दूंगा। फर्स्ट जो है वो है, ये दोनों आर्क हॉर्न जो है वो एक दूसरे से इस तरह से वो कनेक्टेड है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो इट इज क्लोज कॉन्टेक्ट। यहाँ पे इस तरह से ये करंट आएगा और यहाँ से इस तरह से वो करंट जो है वो निकल जाएगा, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो वहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट जो है आपके इस तरह से बने होंगे। सो करंट जो इनकमिंग आएगा और दूसरा आउटगोइंग। लेकिन जब भी ये कॉन्टेक्ट आप सेपरेट करोगे तो उसके बाद क्या होगा, इसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट ही है, ठीक है, सो वहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर दोनों के कॉन्टेक्ट अगर आप मूव करोगे, सेपरेट करोगे, जब भी आप फॉल्ट वहाँ पे आकर होता है, तो जब भी ये कॉन्टेक्ट सेपरेट होना स्टार्ट होंगे तब उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी, और वो आर्क जो है इस तरह से प्रोड्यूस होगी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन फोर्स की वजह से वो आर्क जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, वहाँ पे वैनिश होने, यहाँ पे वैनिश हो जाएगी, लेकिन वो ट्रैवल करेगी इस दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे अगर ट्रैवल करेगी तो देखिए आप कि इस तरह से ट्रैवल करेगी। तो पहले देखिए उसके कॉन्टेक्ट का जो है वो ये सिरा जो है वो काफ़ी स्पेस जो है वो छोटी है, यानी कि आर्क जो है उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आर्क एलोंगेट होती जाएगी, मतलब आर्क जो है वो क्या होती जाएगी, उसकी विड्थ जो उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी और यहाँ पे बढ़ेगी, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा जो है आर्क का रेजिस्टेंस का बढ़ गया, तो आर्क जो है वो आपकी वैनिश हो सकती है यहाँ पे, और वो आर्क जो है वो इस तरह से ये एयर जो एटमोसफेयर जो है उस कंडीशन में वो यहाँ पे जो है पूरा वो क्या होगा, एक्सपोज टू एटमोसफेयर होगा, तो यहाँ से आर्क आपकी क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। सो व्हेन द कॉन्टैक्ट गेट सेपरेटेड, आर्क एस्टैब्लिश बिटवीन देम, हीट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द सी, हमें पता है सॉरी हीट अगर ये दोनों के बीच में प्रोड्यूस होती है हाई मैग्नेटाइज वहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की वजह से, तो वो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ पे हॉट एयर जो है वो वहाँ पे हॉट गैसेस जो है प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा इफेक्ट के दौरान, तो वो हॉट एयर है, हमें पता है कि हॉट एयर ऑलवेज जो है वो एटमोसफियर जो है वहाँ पे जाने की ट्राई करेगी अपवर्ड में, ठीक है, सो हॉट एयर विल गो अप इन द एटमोसफियर, सो बिकॉज ऑफ हीट आर्क विल गो ऑन मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड द गैप विल बी इंक्रीजिंग। सो गैप अगर जो वहाँ पे बढ़ रहा है तो आर्क की लेंथ भी बढ़ जाएगी, अगर आर्क की लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा, और उसकी वजह से फिर आपकी आर्क जो है वो एक्सटिंग्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्लेन एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का, वो बहुत बल्की है, लेंथी भी है, एफिशिएंट नहीं है ज़्यादा, ऑपरेशन में स्लो है, गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए अगर बड़ी साइज़ का सर्किट ब्रेकर हुआ तो ये दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट की स्पेस है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से ये लेंथी भी हो जाएगा बल्कि भी बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा जो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है वो है, उसके जो टाइप है मतलब वो दूसरा है मैग्नेटिक ब्लो आउट टाइप सर्किट ब्रेकर।
देखिए इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द लेंथनिंग इज अचीव्ड बाय मैग्नेटिक ब्लोआउट कॉइल्स। देखिए ये मान लीजिए सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट है, ये दोनों क्लोज्ड है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है। सो यहां पे जो है ना इस तरह से ये कॉइल लगी होगी, देखिए इस तरह से ये आर्क रन ही रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे आपको जो एक कॉइल दिख रही है वो कॉइल आपकी हो गई, ये मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक ब्लोआउट टाइप कॉइल। सो द करंट, यहाँ पे जो सर्किट करंट होगा वो क्या होगा, इट फ्लोज थ्रू द कॉइल्स प्लेस्ड बिलो द आर्क रनर्स। देखिए ये आर्क रनर्स यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो इस तरह से कुछ होगा, पहले जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से वो कनेक्टेड होगी, फिर अगर एबनॉर्मल कंडीशन हुई तो ये सेपरेट हो जाएगी इस तरह से, ये कॉन्टैक्ट सेपरेट हो गया, ठीक है। करंट जो है वो इस तरह से यहाँ पे जाके फ्लो होके इस तरह से ये आर्क के थ्रू इस तरह से ये निकल जाएगा, फिर ये आर्क की लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी इस तरह से, ठीक है। सो द सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल्स प्लेस्ड बिलो द आर्क रनर्स, द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट इन दिस कॉइल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा ये कॉइल की वजह से, दैट विल ब्लोन आउट द आर्क इन टू द आर्क चैट्स रैपिडली, दिस आर्क चैट्स रैपिडली इस तरह से ऊपर जाएगा, देयर बाय द आर्क इज कूल्ड लेंथेंड एंड स्प्लिट। तो यहाँ पे अगर मैं स्प्लिटर्स दिखा दूँ इस तरह से, ये आर्क स्प्लिटर्स है, ये इंसुलेटर्स एक यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटिंग जो मीडियम होता है इसी तरह की जो है मीडियम से बने होते हैं। तो आर्क की लेंथ इस तरह से जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेंथ अगर बढ़ेगी तो वो काफ़ी हद तक जो है वो वैनिश हो जाएगी वहाँ पे। सो इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस टू अ वैल्यू दैट आर्क कैन नॉट बी मेंटेन, दैट्स वाई आर्क कैन बी एक्सटिंग्विश। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है कि फोर्स, देखिए फ्लक्स फाई इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, तो फोर्स किस तरह से लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो यही जो है प्रोसीजर इसमें फॉलो होती है। सो फाई इज अ पॉइंटिंग इनवर्ड्स, ओके, करंट आई जो है वो लेफ्ट टू राइट में जाएगी और फोर्स जो है वो एक्सर्टेड विल अपवर्ड, द आर्क विल बी पुश्ड इन टू द अपवर्ड रीजन, ओके। सो द प्रिंसिपल ऑफ हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन इज एम्प्लॉयड फॉर दिस टाइप ऑफ ब्रेकर्स। The length of the arc is increased using arc runners, which will increase its resistance in such a way that the voltage drop across the arc becomes more than the supply voltage and the arc will be extinguished. Fine. This type of circuit breaker is employed in both AC as well as in the DC type of circuit up to 12 kilovolt. See, these are normally indoor type and installed on vertical panels. I repeat, these are normally indoor type and installed on vertical panels, and the lengthening of arc is done with the help of magnetic fields. I have explained here. Some typical ratings of this type of circuit breakers are 460 volt to 3.3 kilovolt with current range of 400 to 3550 ampere, or 6.6 kilovolt with current range, you can say 6.6 kilovolt with current range of 400 to 2400 ampere. Is that right? Okay. So another one is arc chute circuit breaker, air circuit breaker. See, in this particular splitter plates are there, which is made up of steel. देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर मैं करूँ, ये अगर separate contact, तो यहाँ पे जो है ना ये steel plate इस तरह से लगी होगी, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ना यही मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये स्प्लिट जो है वो लगी होती है, वो स्टील की बनी होती है। सो प्रीवियसली वी वर यूजिंग ओनली सिंगल टर्मिनल फॉर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन, फाइन, बट अंडर एबनॉर्मल कंडीशन सो मच एनर्मस हीट इज प्रोड्यूस्ड, सो इफ द नॉर्मल कॉपर, दिस नॉर्मल कॉपर एक्सपोज टू दैट मच टेम्परेचर, देन देर इज अ चांस ऑफ कॉन्टैक्ट में डैमेज। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, कॉन्टैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट कॉन्टैक्ट्स, फर्स्ट वन इज आर्किंग कॉन्टैक्ट एंड द अनदर वन इज मेन कॉन्टैक्ट्स, like this. So this is the this one is the one contact, this is the second contact, first contact and second contact, this is the arc contact and this is the main contact. There are two types of contact, arcing contact and main contact. This is the arcing contact and these are the main contacts. Okay, so in the arcing contact, the copper alloy is to withstand more heat. Okay, this is made up of copper alloy and this is to, it has to be withstand with more heat. So that's why this is the first one and this is the second one. These are the main contacts that are made up of copper and they are plated with silver to decrease contact resistance. These also are plated with silver to decrease the contact resistance. Fine. So this is the third type of air circuit breaker. As you can see here,
How does it work? Let me just explain you. So it consists of two sets of contacts. This is the main context and arcing context. During the normal operation, the main contacts are closed. They are having low resistance with silver plating that I already discussed, and the arcing contacts are very hard. This is very hard and heat resistance. They are made up of copper alloy, and arc runners are provided at the end of these arc runners are provided at the end of the arcing contacts. So on the upper side of the arc splitters, these are the arc chutes are provided, and the upper side of the arc splitter plates are provided. So how does it work? So working, let's see the working. See, हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई दो कॉन्टैक्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर के, अगर मैं इसको ओपन करूँ, सो अगर ये कॉन्टैक्ट जो है क्लोज पोजिशन में, फिर तो बात ठीक है नॉर्मल कंडीशन में. सो वेन एवर द फॉल्ट अकर्स, द ट्रिपिंग सिग्नल मेक्स द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स टू ओपन. द आर्क इज ड्रॉन इन बिटवीन दिस कॉन्टैक्ट लाइक दिस. आर्क इज ड्रॉन. सो वेन एवर द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, द सराउंडिंग एयर गेट्स आयोनाइज. यहाँ पे जो भी एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है. वो इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर आफ्टर सम टाइम. अगर ये आर्क जो है पूरी तरह से वो मतलब ये जो पूरी जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है एयर के, वो अगर बदल दिए गए इलेक्ट्रॉन्स में तो. सो वेन एवर द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स एंड द सराउंडिंग एयर गेट्स आयोनाइज, द आर्क इज देन कूल टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द आर्क कोर. ये मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट, ये जो आर्क है ये आर्क का डायमीटर हो गया. मान लीजिए आर्क का डायमीटर हो गया, ये डायमीटर आपको क्या करना है, उसको घटाना है, ठीक है. सो द आर्क इज देन कूल्ड to reduce the diameter of the arc core while separating the main contacts are separating first. जब भी आप सेपरेट करोगे ये मेन कॉन्टैक्ट है ना, ये पहले सेपरेट होगा. देखिए ये अगर मैं सेपरेट करूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेन कॉन्टैक्ट पहले सेपरेट होगा, ओके. सो द करंट इज देन शिफ्टेड टू आर्किंग कॉन्टैक्ट. यहाँ पे जो है पहले कॉन्टैक्ट ये सेपरेट होगा, तो जब भी ये सेपरेट होगा ये तो लगा होगा ना, ठीक है. ये सेपरेट हो गया लेकिन अभी तक ये लगा हुआ है, तो आर्क जो भी करंट का मैग्नीट्यूड था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा फिर ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, उसके बीच में आर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा. सो द करंट इज देन शिफ्टेड टू द आर्किंग कॉन्टैक्ट. लेटर ऑन द आर्किंग कॉन्टैक्ट ऑल्सो स्टार्ट सेपरेटिंग एंड आर्क बिटवीन देम इज फोर्स अपवर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ये जब भी सेपरेट होंगे तो आर्क प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आर्क जो है इसकी इस तरह से अपवर्ड जो है डायरेक्शन में क्या होगी, मूव होगी, पुश होगी. एंड द आर्क, और यू कैन से थर्मल एक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर जो भी होगी वो ऑब्वियसली ये एटमोसफियर में जाने की ट्राई करेगी, ऊपर ही जाने की ट्राई करेगी. सो द आर्क ट्रेवल्स थ्रू द आर्क रनर्स. दिस आर्क रनर्स, ये दोनों आर्क रनर्स है. फर्दर इट मूव्स अपवर्ड्स एंड स्प्लिट बाय आर्क स्प्लिटर्स. ड्यू टू दिस फाइनली द आर्क गेट्स इज एक्सटिंग्यूश्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द आर्क इज इंक्रीज्ड. Due to lengthening and cooling, the arc resistance increases, which will reduce the fault current and will not allow to reach at high value. I repeat, due to lengthening and cooling, arc resistance increases, which will reduce the faulty current and will not allow to reach at high value. So the current zero points in the AC wave will help the arc extension. That we know. Like this. यहाँ पे दो बार जीरो आता है ना, हमने ये थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, तो आप देख सकते हैं. So, the current zero points in the AC wave will help the arc extension, and with increase in arc resistance, the drop across it will go on increasing. So, whenever the arc leaves the contacts, it is passed through arc runners, these arc runners, with the help of blowout coils, this type of coils, which provide a magnetic field due to which it will experience a force as given by the electromagnetic theory, which is nothing but F is equal to BIL. This force will assist in moving the arc upwards, and the magnetic field produced is insufficient to extinguish the arc. Okay, for system having low inductance, arc gets extinguished before reaching extremity of runners, because lengthening of arc will increase the voltage drop, which is insufficient to maintain the arc. I repeat once again, for system having low inductances, arc gets extinguished before reaching extremity of runners, because lengthening of arc will increase the voltage drop, which is insufficient to maintain the arc. For high inductance circuit, if it is not extinguished while traveling through arc runners, then it is passed through arc splitters where it is cooled down, and this will make the effective deionization by removing the heat from the arc, and your arc will be extinguished.
So what are the applications? This type of circuit breakers are commonly employed for industrial switch gear, auxiliary switch gear in generating station. Fine. So this is all about the air brake circuit breaker. Thank you.